नगर थाने पर 10 तारीख को एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें लिख के दिया गया कि विवेक कुमार नाम का एक व्यक्ति जो है सो अपने घर से मोबाइल से बात करते हुए कहीं निकला है और उसके बाद लौट के नहीं आया। तो इस सूचना पर हम लोगों ने नगर थाने में 151/19 कांड संख्या दर्ज करवाया और इसका अनुसंधान प्रारंभ कराया। तो उस आवेदन में जो मोबाइल नंबर विवेक का अंकित था उसका CDR हम लोगों ने निकलवाया, क्योंकि 10 तारीख को संडे था और सरस्वती पूजा चल रहा था तो हम लोग को CDR उस दिन उपलब्ध नहीं हो पाया। तो कल 21 तारीख को, बीते कल 11 तारीख को हम लोग को CDR उपलब्ध हुआ। तो CDR को हम लोग एनालाइज किए तो जिस नंबर से वो लास्ट में बात किया था वो नंबर भी उसका सिम भी विवेक कुमार के नाम से ही था। तो हम लोग को बड़ा आश्चर्य रहा कि लास्ट में ही अपने नंबर से नाम के सिम से बात कर रहा है, दूसरा सिम VC के नाम से है, तो आखिर ये सिम है किसके पास। तब हम लोगों ने गुप्त स्रोत पर पता लगाना शुरू किया तो पता चला कि गांव में ही किसी महिला से उसका अवैध संबंध है। तो इस आधार पर हम लोगों ने उस घर में रेड कराया तो जो लालो यादव और उसकी पत्नी पिंकी यादव जो अभी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया इन दोनों को, और इन दोनों से पूछताछ जब किया गया तो लालो यादव ने अपना जुर्म कबूल किया और बतलाया कि विवेक यादव की हत्या करके उसको हम अपने घर के आंगन में चूल्हे के बगल में दफन कर दिया है। इस सूचना पर रात में हम लोगों ने वहाँ पर घटनास्थल की निगरानी कराई और सुबह में आज मजिस्ट्रेट डिप्यूट करा के उस जगह की खुदाई करवाया तो विवेक यादव का लाश बरामद हुआ। तो इसमें कहानी ये आई कि जो लालू यादव है इसकी पत्नी पिंकी देवी है, इससे 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी लेकिन गांव में ही रहने के कारण मृतक से विवेक यादव से उसका अवैध संबंध हो गया था और विवेक यादव ही वो सिम खरीद के एक मोबाइल सेट के साथ पिंकी देवी को दिया हुआ था। वो सिम विवेक के मृतक के नाम ही से था और उसी मोबाइल से पिंकी विवेक को बात करके बुलाती थी और इसका शक उसके पति को हो गया था कुछ दिन पहले। उसने उसको समझाया भी था लेकिन इसके बावजूद भी विवेक यादव नहीं मान रहा था। अंत में जब 8 को घटना के दिन जब वो निकला है घर से तो इसके घर पर आया है तो इसमें कहीं उसका पति वो शक था, वो छिपा हुआ था और घर में हथौड़े के बार करके, चूंकि बिजली मिस्त्री है लालू यादव, हथौड़ा इसके साथ रहता है बिजली के काम करने के लिए, हथौड़े से सिर पर वार करके और फिर करंट लगा के उसकी हत्या कर दिया और लाश को पिंकी यादव के सहयोग से आंगन में घटनास्थल पर दफन करके उसमें मिट्टी डाल दिया। घटनास्थल पर जो खून वगैरह के गिरे थे और कपड़े पर जो छींटे थे उसको पिंकी देवी ने साफ कर दिया है और साक्ष्य को नष्ट करने का भी प्रयास किया है। इन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस कांड में हम लोग 1 सप्ताह के अंदर आरोप पत्र समर्पित करेंगे और स्पीडी ट्रायल कराएंगे।